सबको कि मेरी वाइफ का जो है ना शादी से पहले जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था बच्चे के साथ, और उन्होंने किसी और से मोहब्बत करते थे फिर भी मेरे से उन्होंने शादी करे, और उनके माँ बाप को भी मालूम था इस चीज़ के लिए, और इसीलिए मेरे से शादी करे, और इनके माँ बाप को नो कई खुद एक नहीं दो खुद पकड़ा मैं इनको, अगर बच्चे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल मैं फ़ोन पे भी चेक करा तो फिर भी उन्होंने माफ़ी मांगे तो माफ़ कर दिया। फिर उसके बाद दूसरी वक्त भी उन्होंने कई खुद मैं उनके मामा को जाके बोला के, इनके मामा आंटी उनके माँ बाप को सबको जाके बोला के इनका जो है ना बच्ची बच्चे के साथ जो है ना बातचीत हो रही है, फ़ोन में चैटिंग हो रही है, तो मैं इस चीज़ के लिए इतला भी करा उनके माँ बाप को, तो उनके आंटी मामा को बोले तो नहीं एक मौका दीजिए एक चांस दीजिए बोल के बोले लगा। फिर भी मैं उसके लिए इंसानियत के नाते माफ़ भी कर दिया मैं, और उसके बाद में फिर भी उन्होंने तीसरी बार जैसे है ना वो बच्चे से बात करे फिर वो करे उन्होंने, और इस चीज़ पे हुआ कि, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ सबको आपको कि मेरे पास कॉल हिस्ट्री भी है, कॉल रिकॉर्डिंग है, और मेरे झूठे इल्ज़ाम लगाए मेरे ऊपर। उनका ये कहना है कि आपके भाई वगैरह उनके साथ कोई ज़्यादतियाँ करें, ये बात सही है? ये सब झूठ है, क्योंकि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे वाइफ जो है ना झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे मेरे भाई के ऊपर, क्योंकि मैं खुद जिस दिन लड़ाई हुई थी हम दोनों की, दुनिया में हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि हम जब जिस दिन लड़ाई झगड़ा हुआ था उस वक़्त मेरे वाइफ को मेरे वालदा उनके कमरे में सुला लेते और मेरे कमरे में मैं सो रहा था, तो उस वक़्त क्या हुआ बोले तो मेरे भाई जो है ना कहाँ लड़ाई फिर लड़ लेते बोल के उन्होंने आके देख रहे कर रहे थे, उस वक़्त मैं भी आके कमरे में सोआ बाजू मेरी वाइफ के, फिर मैं देखा तो उन्होंने लाइट मार के टॉर्च करके देख रहे थे कुछ नहीं। ये बताइए आपको 3 साल में आपको बच्चे नहीं हुए इसकी वजह क्या है? बच्चे नहीं होने की वजह ये है कि मैं मेरी वाइफ जो है ना बच्चे नहीं होने के गोलियां खा रहे थे, मैं उनका ये कहना है कि आप उनको जबरदस्ती ले जाकर दवा दारू करवाते थे, ये सब जो है ना हम दोनों की मर्जी से था, हम दोनों डॉक्टर को बताए थे, ये गलत है, ये सब झूठ है कि बेइल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे। मेरे पास डॉक्टर के रिपोर्ट्स भी है, मैं आपको रिपोर्ट्स भी बताऊंगा, क्यों मेरे पास जो है ना रिपोर्ट्स भी है पूरा सबूत के साथ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो डॉक्टर के बता बेस्ट गैनोलॉजिस्ट के पास बताया मैं विरिंची हॉस्पिटल में डॉक्टर दुर्गा है, उन्होंने विटामिन्स के मल्टी विटामिन्स के टैबलेट दे रहे थे, मेरी वाइफ को पीसीओडी का प्रॉब्लम था जिसके वजह से उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही थी, उस चीज़ के लिए भी मैंने एक्सेप्ट किया और कभी उनको टॉर्चर नहीं करा बच्चों के लिए, और मैं सब्र करा और पेशेंस करा और मैं अल्लाह पे भरोसा करा, और ये भी बताया मेरी वाइफ को सब्र करने के लिए कहा, और जिस जब सामान देने के बहाने बुला के उन पे अटैक करे आपकी फैमिली बोल के, नहीं ये सब झूठ है, और एक्चुअली बात मेरी वाइफ को खुला होना बोले थे, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था बच्चे के साथ, इसलिए उनको 3 महीने का टाइम भी दिया था मैं, और उनको बहुत कन्विंस करा और अपनी तरफ से मैं बहुत कोशिश करा के मनाने के लिए, और इवन मैं ये अनिस फातिमा बोल के है जिसके वजह से कई बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, जो ऐसे नॉन ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट जो काले पत्थर पे रहते हैं उनका नाम अनिस फातिमा है, जिसके वजह से कई बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ ऐसे जो पैसों के चंद पैसों के लिए बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं विदाउट काउंसिलिंग के अलावा मेरे को प्रेजराइज कर रहे थे कि खुला दियो बोल के, मैं बोला खुला नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपनी अगर आप खुला बोले विदाउट काउंसलिंग के खुला होना ये होना बोल के मेरे को प्रेजराइज कर रहे हैं, मेरे को 30,000 का डिमांड कर रहे हैं, अगर 30,000 अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपके ऊपर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाऊंगी कंप्लेन करूंगी बोल के बोल रहे थे। आपका ये कहना है अभी जो वो आपके इल्ज़ाम जो बात की है वो गलत इल्ज़ाम है, वो कहने के सामान देने के बहाने बुला के अटैक करे गलत है आपको ये कह रहे हैं? जी देखिए मेरा खुला जो है मेरे वाइफ मेरे को कॉल करे खुला होना बोल के बोले, मैं बोला सदर खाजी से जाना है खुला होना बोले तो ठीक है बोला मैं 3 महीने तक उनका कोशिश करा अपनी शादी बचाने के लिए पूरी कोशिश करा, मैं समझाने की पूरी कोशिश करा, मेरी वाइफ उन्हें रहना नहीं चाह रहे मेरे साथ, तो मैं बोला ठीक है अगर आप खुला चाह रहे हैं तो बोले तो उन सदर खाजी के पास गया और सिग्नेचर कर दिया, और उसके बावजूद उनको ये भी बताया था कि मैं अगर खुला हो गया है तो ठीक है आप सामान लेके आके आपके लोगों आके ले लीजिए सामान बोल के भी बोला, और ये भी बताया कि आप हाँ। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि खुला हो जाने के बाद उन लोग संडे के दिन आते बोले घर पे, उन लोग क्या करे बगैर डीसीएम के आए और उन लोग ऑटो में और गाड़ियों में है, पूरे 14 लोग थे, 6 औरतें और 5 आदमियाँ थे, और आके क्या करे अगर उन लोग ट्रॉली भी नहीं है मेरे घर के पास पूरे रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे है पूरा वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, उन्होंने आके मेरे घर में मेरे को अटैक करे,
मेरी बीवी खुसूसन मेरे कमरे घर में आके मेरे को अरे तुरे करे, गाली गलौज करे मेरे को, और लेडीज और जेंट्स, उनके मामा का नाम है अकबर अली, उन्होंने मेरे को आके हाथापाई करे, और मेरे को और मेरे खैरून आंटी का बेटे और एक कोई आदमी है और नसीरीन आंटी और खैरून आंटी और ये लेडीज आके मेरे ऊपर हमला करे। जब मेरे बहनों मेरे को बचाने आ रहे तो जेंट्स मेरे वाइफ मेरे मेरे बहनों के ऊपर अटैक करे, मेरे बहनों को मारे, और उस चीज़ के बाद मेरे मदर जो है ना, मेरे मदर को ढकल दिए उन्होंने, मेरी वाइफ ढकल दे के, और ना हार्ट पेशेंट है मेरे मदर। यानी कि आपका ये कहना है कि ये सारे जो आपके इल्जाम लगे वो बेबुनियाद इल्जाम, ये सब बेबुनियाद है, मेरे को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं ये सब।